हेलो क्लास टेंथ स्टूडेंट्स, चलते हैं अब चैप्टर नंबर 2 पर, पॉलीनोमियल्स। और आपका आज का टॉपिक है ऑन वेरीफाइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 एंड verify the relations between the zeros and its coefficient। चलते हैं बच्चों, सबसे पहले हम अपने इस quadratic equation पर। ये quadratic equation क्यों है? क्योंकि इसकी degree यहाँ पर highest degree 2 है, then it is a quadratic equation। यहाँ पर कुछ formula हम लिखते हैं अभी। ये आप एक्स स्क्वायर से पहले देख रहे हैं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं का मतलब वन होता है। तो ये हम ए लेते हैं, इसको हम बी लिखते हैं और इसको हम सी लिखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज इक्वल होता है बच्चों माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए क्या है? एक फॉर्मूला है, माइनस फॉर्मूले में ही है। B means 7 और A means 1। चलते हैं अब प्रोडक्ट। ये था सम ऑफ जीरोज, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? C अपॉन A, और C है आपके पास 12 और A है आपके पास 1। A है आपके पास 1 देन 12। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ जीरोज हो गया माइनस 7 अपॉन 1 इक्वल माइनस 7, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो गया 12 अपॉन 1 मीन्स 12। आइए अब चलते हैं इसके आंसर पर। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। सबसे पहले हम लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। आप इस इक्वेशन को, इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करेंगे। इट मींस मल्टीप्लाई करके 12 चाहिए आपको और ऐड करके चाहिए आपको 7। ऐसी दो डिजिट आपको लेनी है। जब दोनों की मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और ऐड करके 7 आ जाए। तो यहाँ हम लिखेंगे 4 और यहाँ 3। 4 3 जा 12, 4 प्लस 3 इक्वल 7। 4 मल्टीप्लाई 3 इक्वल 12 हो जाएगा और 4 प्लस 3 इक्वल 7 हो जाएगा। हमने ऐसे दो डिजिट यहाँ टेक ओवर की। चलते हैं अब इसके सॉल्यूशन पर। कौन सा मेथड लेंगे यहाँ पर? मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ जो हम देख रहे हैं 4 और 3 हमारा ये जो डिजिट आई है, यहाँ लिखेंगे 4 प्लस 3 और ये एक्स बाहर हो जाएगा प्लस 12। 4 प्लस 3 इक्वल 7 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4 की करेंगे मल्टीप्लाई एक्स में, 4x प्लस 3x प्लस 12, इनके ग्रुप बनाएंगे हम। एक्स स्क्वायर प्लस 4x में कॉमन आया x, यहाँ रिमेनिंग बचा x और यहाँ रिमेनिंग बचा 4, क्योंकि x से x कैंसिल हो गया। प्लस 3x प्लस 12 में कॉमन आएगा आपका 3, रिमेनिंग बचेगा यहाँ x और यहाँ बचेगा 3 4 जा 12। ये आप देख रहे हैं x प्लस 4 सेम आता है हमेशा। फिर एक कॉमन ले लेंगे x प्लस 4 एंड रिमेनिंग बचेगा x प्लस 3। ये इसके आपके हमने कर दिए फैक्टर। अब ये हमारा है क्या? ये हमारा है fx इक्वल। अब हम fx इक्वल 0 कर देंगे क्योंकि मैं जीरोज निकाल लें अभी। जब fx 0 हो गया
तो x प्लस फोर और x प्लस थ्री भी जीरो हो गया। x प्लस थ्री इक्वल जीरो हो गया, x प्लस फोर इक्वल जीरो, x इक्वल माइनस फोर, x प्लस थ्री इक्वल जीरो, x इक्वल माइनस थ्री। तो आपके जो जीरोज हैं वो जीरोज क्या आ गए, माइनस फोर और माइनस थ्री। इसको हम लिख देते हैं अल्फा इक्वल माइनस फोर और बीटा इक्वल माइनस थ्री। अब चलते हैं बच्चों इसके रिलेशनशिप पर। सबसे पहले हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। जीरोज हमारे जीरोज क्या है, माइनस फोर और माइनस थ्री। सम ऑफ जीरोज निकालने हमें, इन दोनों का आपको सम करना होगा, माइनस फोर प्लस माइनस थ्री। अब आपका ये हो गया माइनस फोर प्लस माइनस, आपका ये माइनस बन गया, माइनस थ्री माइनस सेवन हो गया। तो अब जो आपका सम ऑफ जीरोज आया माइनस सेवन, इन जीरोज का हमने सम किया है। लेकिन हमारे पास ये फॉर्मूला जो होता है सम ऑफ जीरोज का, वो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। देन अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ लिख देंगे एंड सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इक्वल हो जाएगा बच्चों माइनस बी अपॉन ए। माइनस का माइनस, बी मीन्स क्या बच्चों, देखिए ये रहा आपका बी सेवन, ए क्या है यहाँ पर वन है, वन आ गया। तो इस तरह क्या आया माइनस सेवन। आपने देखा सम ऑफ जीरोज करके, इन जीरोज का सम करके भी माइनस सेवन आया, और फॉर्मूला लगा कर भी माइनस सेवन आया। तो ये आपका फर्स्ट रिलेशन हो गया। चलते हैं अब दूसरे रिलेशन पर, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इट मीन्स जो आप जीरोज देख रहे हैं इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। अल्फा आपके पास माइनस फोर, बीटा आपके पास माइनस थ्री। इस तरह से हो गया ये प्लस के ट्वेल्व, यहाँ लिख देंगे एंड। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मैंने आपको बताया था सी अपॉन ए। सी आपके पास ये रहा इधर ट्वेल्व, सी अपॉन ए, सी आपके पास ट्वेल्व आ गया, ए आपके पास वन है इक्वल ट्वेल्व। आपने देखा फिर से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की मल्टीप्लाई करके भी ट्वेल्व आया, और फॉर्मूला लगाकर भी ट्वेल्व आया। तो ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। इस तरह से आपका सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इन दोनों का आंसर सेम और इन दोनों का आंसर सेम। एक बार और मैं आपको बताना चाहूँगा स्टार्टिंग से, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होता है सबसे पहले उसको हम सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन सॉल्व होगी मेथड ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म से। ये हमने यहाँ सॉल्व कर दिया, ये इसके फैक्टर आ गए, एफ एक्स इक्वल जीरो कर दिया, फिर इसके जीरोज कर दिए, और जीरोज करने पर आया माइनस फोर और माइनस थ्री, ये इसके आएंगे जीरोज। तो यहाँ इसको लिख देंगे अल्फा, यहाँ लिख देंगे इसको बीटा। अब जो जीरोज आए हैं उनका सम ऑफ जीरोज करेंगे, फिर सम ऑफ जीरोज का फॉर्म लगाएंगे, दोनों का आंसर सेम आएगा। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई करके, और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला लगाकर यहाँ इस तरह करेंगे, और दोनों का आंसर फिर सेम आएगा। इस तरह से कि आपका हो गया वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोएफिशिएंट। एंड वन प्रॉब्लम फॉर यू, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोएफिशिएंट। दैट्स ऑल, मीट ऑन टुमारो।